बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड माय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू पीपल आर वेरी फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर टू ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.1। द क्वेश्चन नंबर टू ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.1 मैथमेटिक्स 10th क्लास कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड द अनदर और अल्टरनेटिव मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आंसर इसका ये है कि ईच एंड एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सो हियर वी नीड अनदर मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जाहिर सी बात है, अगर एक मेथड से वो मेथड फेल हो गया है, वो मेथड जो है वो नो लॉन्गर एप्लीकेबल है, तो हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे किसी और तरीके से। तो यहाँ पर हम जो आज क्वेश्चन नंबर टू में डिस्कस कर रहे हैं वो है कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड। नाम से जाहिर है कि हमने कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड के अंदर हमने जो गिवन एक्सप्रेशन होगी उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पर उसका स्क्वेयर कंप्लीट करना है। लेफ्ट हैंड साइड पर हमने उसे क्या करना है, स्क्वेयर कंप्लीट करना है। और वो स्क्वेयर किस फॉर्म का हो सकता है, वो ए प्लस बी होल स्क्वेयर भी हो सकता है और वो a माइनस बी होल स्क्वायर भी हो सकता है। जाहिर a प्लस बी होल स्क्वायर के लिए हमें चाहिए होगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी दो परफेक्ट स्क्वायर्स और उनका टू ए बी। और a माइनस बी होल स्क्वायर के लिए हमें ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी दो परफेक्ट स्क्वायर और माइनस टू ए बी। अब ये प्रोसेस कैसे होगा स्टूडेंट्स? इस प्रोसेस के कुछ स्टेप्स हैं, तीन मेन स्टेप्स हैं और टोटल हमने छः, मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, टोटल छः हैं, लेकिन इनमें से तीन मेन स्टेप्स हैं जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बताऊंगा कि वो तीन मेन स्टेप्स कौन से हैं कि जिनके ऊपर फोकस हमने रखना है। सो कंप्लीटिंग स्क्वेयर मैथड के एज अ होल छः जो है स्टेप्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। सो फर्स्ट स्टेप इज Write the quadratic equation in its standard form. अगर हमारे पास क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो हम उसे सॉल्व करेंगे उस वक्त तक जब तक हमारे पास जो है स्टैंडर्ड फॉर्म हासिल नहीं हो जाती। आपको पता होगा मैं क्वेश्चन नंबर वन में बता चुका हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो। द स्टेप नंबर टू इज डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। ज़ाहिर इक्वेशन है तो उसकी दो ही साइड होती है। By the coefficient of x square, हर स्टूडेंट को पता है कि कोफिशियंट से क्या मुराद है और क्वाड्रेटिक टर्म जो होती है x square उससे क्या मुराद है। हमने दोनों साइड्स ऑफ द इक्वेशन को क्या करना है, x square के साथ, x square के कोफिशियंट के साथ डिवाइड करना है। If it is other than one, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर x square का कोफिशियंट 1 है तो हमें फिर ये वाला स्टेप जो है करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोएफिशिएंट 2 है, 3 है, 4 है तो फिर हम ये स्टेप डेफिनेटली करेंगे। द नेक्स्ट स्टेप इज शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म, मैं आपको बता चुका हूं कांस्टेंट टर्म किसे कहते हैं, जिसके साथ एक्स पावर 0 होती है या जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, नंबर होता है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। नाउ कांस्टेंट टर्म को हमने शिफ्ट करना है किधर, टू द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। अब ये स्टेप कर लेने के बाद एड द स्क्वेयर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशियंट ऑफ एक्स, हाफ ऑफ द कोफिशियंट ऑफ एक्स हमने ऐड करना है। किसको ऐड करना है, एक्स के कोफिशियंट के हाफ के स्क्वेयर का। ये वाला स्टेप आपको इंशाल्लाह क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मैं बड़े अच्छे से इंशाल्लाह समझाऊंगा। अभी आप इसे सिर्फ रीड आउट कर लें। टू द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन हमने एडिशन करनी है दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन की। राइट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन एज परफेक्ट स्क्वायर एंड सिंप्लीफाई द राइट हैंड साइड परफेक्ट स्क्वायर। मैंने आपसे पहले कहा कि हम क्या करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर जो है हासिल करेंगे। होल स्क्वायर मीन कि ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा।
जैसे नंबर्स में 4 परफेक्ट स्क्वायर है, हम उसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरह से 16 परफेक्ट स्क्वायर है, उसको हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गिवन क्वेश्चन जो है इस स्टेप में क्या आएगी, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। ये हमने परफेक्ट स्क्वायर बनानी है। सो द लास्ट स्टेप इज टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर जो है स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड्स पर हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। एंड देन सिंप्लीफाई, फिर आगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे जो भी सिचुएशन होगी, टू गेट द सॉल्यूशन सेट, टू गेट द सॉल्यूशन सेट। सो स्टूडेंट्स, इनमें से जो ये तीन स्टेप्स हैं, द स्टेप नंबर 2, द स्टेप नंबर 3 एंड द स्टेप नंबर 4, ये तीन स्टेप्स जो हैं आपको जेन में रखने हैं, फोकस करना है इनके ऊपर। बाकी जो स्टेप्स हैं, स्क्वायर को कंप्लीट करना, सिंप्लीफाई करना, स्टैंडर्ड फॉर्म लाना, आई थिंक वो आपके लिए बड़े इजी होंगे। आपने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो है वो बहुत कुछ सीखा है इंशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म को हासिल करना और फिर जो स्टेप नंबर 5 के अंदर जो हम कहते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना, जाहिर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम लिख लेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये भी इजी स्टेप है। और फिर टेकिंग स्क्वायर रूट और फिर आगे सिंप्लीफाई, ये भी इजी स्टेप है। 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए इंशाल्लाह ये स्टेप इजी होंगे, बल्कि जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो ये आपको और ज़्यादा इजी लगेंगे। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके फर्स्ट पार्ट को, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को हम इंशाल्लाह सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और इसका फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो फर्स्ट स्टेप था कि राइट द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, वो स्टेप हमें करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द क्वेश्चन इज गिवन, द इक्वेशन इज गिवन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी इज इक्वल टू 0 है। ये हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द स्टेप नंबर 2 इज डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इफ इट इज नॉट 1। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, इसका मतलब है कि हमें स्टेप नंबर 2 करने की जरूरत भी नहीं है। अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 होता या 3 होता तो फिर हम ये स्टेप करते कि x स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ सारी इक्वेशन को डिवाइड करते। द स्टेप नंबर 3 शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म, द न्यूमेरिकल वैल्यू जो गिवन है माइनस 40, शिफ्ट कांस्टेंट टर्म टू द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। सो लेट्स डू इट, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40, क्योंकि हमने उस तरफ लिखना है, लिहाजा इधर नहीं लिखेंगे, उधर शिफ्ट करना है तो इधर नहीं लिखी जाएगी। सो माइनस 40 उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस 40। कल भी हमने डिस्कस किया था कि जब शिफ्टिंग होती है, साइड चेंज होती है, तो जो साइन होता है उसमें चेंज आता है। माइनस 40 है तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो गया, प्लस 40। द स्टेप नंबर नेक्स्ट इज एडिंग द स्क्वायर ऑफ द कोएफिशिएंट, हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ करना है, एक्स के कोएफिशिएंट 6 का हाफ करना है। आपको पता है स्टूडेंट्स कि किसी भी चीज का हाफ कैसे होता है, डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2। एवरीबॉडी नोज दैट 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3। अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना है और उस स्क्वायर को ऑन द आइदर साइड ऑफ द इक्वेशन ऐड करना है। सो लेट्स डू इट, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस करना है यहां पर भी और राइट हैंड साइड पर भी, किसको, 6 के हाफ के स्क्वायर को, यानी 6 के हाफ 3 के स्क्वायर को आपने इधर भी ऐड किया। और जाहिर सी बात है कि इक्वेशन है, इक्वेशन का मतलब होता है मसावात, बराबरी। जो काम आपने उस तरफ किया है वही काम आपको इस तरफ भी करना पड़ेगा। सो 3 का स्क्वायर उधर ऐड हुआ है तो यहां पर भी 3 का स्क्वायर ऐड हो गया।
नाउ स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं एक्स होल स्क्वायर। आप याद होगा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने एक्स होल स्क्वायर को सॉल्व करके एक्स स्क्वायर लिखा था। अब इसका रिवर्स है कि एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस 6x है, मैं फिलहाल 6x को नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूं 3 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहां पर हमने एक बात समझनी है कि हमारे पास दो परफेक्ट स्क्वायर्स अवेलेबल हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमारे पास फर्स्ट फार्मूले के अंदर, फर्स्ट फार्मूले की जो राइट हैंड साइड है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें हमारे पास दो परफेक्ट स्क्वायर हैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और इनके इन बिटवीन कौन है 2ab, प्लस 2ab भी हो सकता है और माइनस 2ab भी हो सकता है। अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमने इस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को लिखा ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ गया। सो यहां पर हमने नेक्स्ट स्टेप में परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो उस परफेक्ट स्क्वायर को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यानी स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या है ये 6x जो है ये 2ab है या नहीं है, अभी पता चल जाएगा। आप इसको ब्रेक करके लिखेंगे 2 × a × b। नाउ ए कहां से आएगा, ए यहां से आएगा ए स्क्वायर, तो स्क्वायर के नीचे कौन है ए यानी एक्स, और यहां पर बी स्क्वायर, तो बी कौन है स्क्वायर के नीचे यानी 3। तीनों को मल्टीप्लाई करें 2 × 3 = 6 एंड एक्स का एक्स, इसका मतलब है कि हमने कोई नई टर्म नहीं लिखी, उसी 6x को इन द फॉर्म ऑफ 2ab शो किया है, इन दोनों परफेक्ट स्क्वायर के 2ab की फॉर्म में शो किया है। राइट हैंड साइड पर 40 प्लस 3 का स्क्वायर 3 × 3 दैट इज 9, ठीक हो गया। अब जनाब अगर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो तो हम उसे लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर। सो जस्ट लाइक दैट हम इसको भी लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब मैं बोलूंगा फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर, लेकिन लिखूंगा वो चीज जो यहां पर एज अ ए और एज अ बी जो है वो मौजूद है। सो ए आप देख रहे हैं एक्स प्लस बी, आप देख रहे हैं बी हमारे पास 3 है होल स्क्वायर, और प्लस इसलिए क्योंकि 2ab के साथ प्लस का साइन है, इसलिए सो अगर 2ab के साथ प्लस का साइन है तो हम उसको लिखेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर। नाउ राइट हैंड साइड के ऊपर 40 प्लस 9 है, तो छोटे से बच्चे को पता है कि 40 प्लस 9 क्या होता है, 49 होता है, ठीक है जनाब। अब हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि जहां पर हमने कहा था कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ द इक्वेशन, ये टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन एंड देन सिंपली 5, कहीं हमने स्टेप्स में ये स्टेप भी लिखा था। सो एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो फॉलो द इंस्ट्रक्शन, फॉलो द स्टेटमेंट, दोनों तरफ आप राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ले रहे हैं। स्क्वायर रूट शो होता है किससे, रेडिकल साइन से, इसे क्या कहा जाता है, रेडिकल साइन, और इस प्रोसेस को या ऑपरेशन को क्या कहा जाता है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इज द अपोजिट प्रोसेस, अपोजिट ऑपरेशन ऑफ टेकिंग स्क्वायर। सो जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक्स स्क्वायर है, तो याद रखें अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करेंगे, रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करेंगे, तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2, एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2। यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो याद रखें क्या होता है 2, और इसको कहते हैं इंडेक्स, क्या कहते हैं इसको, इंडेक्स ऑफ द स्क्वायर रूट। सो इंडेक्स जो है यहां पर जब कुछ नहीं होगा तो याद रखें यहां पर क्या होता है 2 होता है, और वो इंडेक्स यहां पर किस फॉर्म में शिफ्ट होता है, अपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की फॉर्म में, यानी 1/2 की फॉर्म में, और फिर उसके बाद स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होकर खाली एक्स रह जाता है। तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट डायरेक्ट कैंसिल हो गए, स्क्वायर और स्क्वायर रूट डायरेक्ट कैंसिल हो गए। आप देख सकते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या रह गया, एक्स रह गया। सो जस्ट लाइक दैट यहां पर आपके पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा
तो सिर्फ और सिर्फ आपका रहेगा क्या एक्स प्लस थ्री, और यहां पर आपका 49 का स्क्वायर रूट है, तो आप सबको पता है कि 49 को हम लिखते हैं 7 का स्क्वायर, तो जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर रूट का आंसर क्या रह जाएगा 7। लेकिन मस्ट रिमेम्बर दैट कि जब भी हम 49 का स्क्वायर रूट लेंगे, किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे, तो उसके दो रूट आएंगे, एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि प्लस 7 का स्क्वायर और माइनस 7 का स्क्वायर बोथ आर इक्वल टू 49। इसका मतलब है कि जब 49 का स्क्वायर रूट हम लेंगे तो दो पॉसिबिलिटीज होंगी कि वो प्लस 7 भी आ सकता है और माइनस 7 भी आ सकता है, क्योंकि प्लस 7 का स्क्वायर भी 49 आ रहा है और माइनस 7 का स्क्वायर भी 49 आ रहा है। माइनस 7 का स्क्वायर कैसे 49 आ रहा है? आप सबको पता है कि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। सो आगे हम अगर प्रोसीड करें और राइट हैंड साइड में लिख लेता हूं प्लस माइनस 7, जिसको मैं डिस्कस कर चुका हूं। हियर टू पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट, आइदर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस 7, प्लस को मैं नहीं लिख रहा, अंडरस्टूड है, देयर इज अ पॉजिटिव साइन, और एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 7। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं कि लेफ्ट हैंड साइड प्लस 7 की इक्वल भी है और माइनस 7 की इक्वल भी है। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इजी फॉर यू, आई थिंक 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना बिल्कुल आसान होना चाहिए। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा मकसद x की वैल्यू फाइंड करना है, और x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? x को आइसोलेट करेंगे। कैसे आइसोलेट होगा? प्लस 3 को उधर शिफ्ट करेंगे या प्लस 3 के एडिटिव इनवर्स को दोनों तरफ ऐड कर देंगे, जिस तरह आपको सूट करता है, जिस तरह आपको बेहतर लगता है। 7 पहले से मौजूद है, 3 उस तरफ से आएगा, तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा और 7 माइनस 3, और फिर साइन अपोजिट है, 7 के साथ प्लस है और इसके साथ माइनस है। जब अपोजिट साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्शन होती है, सब्ट्रैक्शन भी मीन कमी होती है, यानी 7 में से 3 ड्रॉप होंगे 4, और साइन वो लगेगा जो बड़ी टर्म के साथ है, यानी पॉजिटिव, और यहाँ पर प्लस का साइन लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जनाब दूसरी जो लीनियर इक्वेशन है उसमें भी यही सिचुएशन है, लेफ्ट हैंड साइड से हम प्लस 3 को उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? वहां पहले से मौजूद है माइनस 7, और वहां से उस तरफ से शिफ्ट हो गया माइनस 3, प्लस 3 इधर शिफ्ट हो गया माइनस 3, और यहां पर आप देख सकते हैं कि बोथ साइंस आर सेम, सेम साइन स्टैंड्स फॉर एडिशन। सेम साइन का मतलब होगा कि क्या होगा? एडिशन होगी, और एडिशन भी मीन इंक्रीमेंट, इंक्रीज, इजाफा। सो 7 में 3 इजाफा होगा 10, और साइन वो लगेगा जो दोनों के साथ है, दोनों के साथ जो साइन है, यानी माइनस। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है, जितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री होती है उतनी ही उस इक्वेशन के रूट्स होते हैं, दो रूट्स, दो आंसर, दो आपके पास वेरिएबल एक्स की वैल्यूज आई हैं, और देयरफॉर सॉल्यूशन सेट में आपने इनको एडजस्ट कर लेना है, -10, 4, या 4 को पहले लिख लें, -10 को बाद में लिख लें, इट डजंट मैटर, सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मैंने सॉल्व कर दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दिया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। इन केस ऑफ एनी क्वेरी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज सेंड करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।